भगवान का ये सबसे सुंदर रूप माना गया है कृष्ण अवतार। तो महादेव जी आते हैं, कितना सुंदर रूप धराए, हम भी तो देखे भाई, हम भी खिलाए उनको गोद में। वो साधु का रूप बनाकर आते हैं, साधु का तो क्या रूप बनाया उन्होंने, सिर्फ कपड़े ही बदले हैं, बाकी नाग अभी भी है, बिच्छू अभी भी चल रहे हैं। अब वो घर पहुंचते हैं, घर पहुंच के कहा कि हमने सुना है आपके घर लाला हुआ है, हमें उसके दर्शन करनी है। यशोदा मैया ने कहा आपने आने में देर कर दी, दर्शन तो बंद हो गए। अरे महादेव जी कहते हैं हम बड़ी दूर पहाड़ों से आए हैं, हमारे लिए आना जाना मुमकिन नहीं होगा, हमें बस एक बार दर्शन करा दीजिए। यशोदा मैया कहती है धन दौलत हीरे जवरात जो लेना है ले जाओ, दर्शन तो नहीं होंगे। उदास हो जाते हैं महादेव जी, तो उदास होके घर से बाहर पैर रखते हैं कि कमरे से भगवान की तेज रोने की आवाज आती है, रोने की माने इतनी तेज रोने की कि उनकी हिचकियां बंद गई है। यशोदा मैया कहती है बिना देखे ही नजर लगाता, देख लेते तो पता नहीं क्या हो जाता। भोले बाबा कहते मैंने नजर नहीं लगाई लेकिन मैं बड़ा सिद्ध हूं, मैं कड़ी से कड़ी नजर उतार सकता हूं, और आपके तो बच्चे के रोने की आवाज से मुझे समझ में आ रहा है इसको बहुत कड़ी नजर लगी है किसी की। अब यशोदा मैया क्या करूं क्या करूं, लाऊं कि नहीं लाऊं, लेकिन भगवान इतना रो रहे हैं उनको भी तो मिलना है, भगवान इतना रो रहे हैं कि अंत में यशोदा मैया ने कहा कि ठीक है। तो कमरे से भगवान को लेकर आती है, महादेव जी की गोद में देती है, महादेव जी ठाकुर जी के पैर को अपने मस्तक पर लगाते हैं, खूब खिलाते हैं, खूब लाड़ करते हैं, भगवान भी बड़ा हंस रहे हैं। इस प्रकार महादेव जी ठाकुर जी के दर्शन करते हैं। तो अब भगवान यहाँ पर एक दिन कमरे में सो रहे हैं, उतने में ही नंद बाबा तक गुजरना होता है। अब भगवान की जो उम्र है अभी उस हिसाब से बच्चे अपने आप करवट नहीं बदलते, पर भगवान ने करवट बदल ली। अब इतना प्रेम है भगवान से कि ये देखकर ही नंद बाबा ने एक उत्सव रखा। अब सब उत्सव में आ तो गए, अब सब पूछ रहे कि उत्सव किस बात का है, किस बात का है। नंद बाबा ने कहा कन्हैया ने अभी नाम रखा नहीं गया है। नंद बाबा कहते कि लाला ने बिना किसी के सहारा लिए अपने आप करवट बदल ली। और सोचिए हमें ऐसा लग रहा है कि ये कोई उत्सव की, वो ब्रजवासी भी इतना प्रेम करते कि वो नाचने लग गए। अरे वो कह रहे हम औरों को बुला के लाते हैं, हम औरों को, इतना प्रेम है उनको भगवान से। तो सब नाच रहे हैं कूद रहे हैं और सब एक दूसरे को कह रहे लाला ने अपने आप करवट बदल ली। अब इसी उत्सव के बीच सकटासुर नामक एक दैत्य आता है, पूतना का भाई। भगवान यहाँ पर बीच उत्सव में सो गए तो यशोदा मैया ने कहा कि कहीं ऐसी जगह सुलाती हूँ जहाँ किसी को दिखे ना ही, क्योंकि बार बार लोग गोद में ले रहे हैं। तो सकट होता है जिसके ऊपर दूध दही माखन रखा जाता है, यशोदा मैया ने उसके नीचे भगवान को सुलाया और चली गई। भगवान की नींद खुलती है, भगवान कहते उत्सव मेरे लिए और मेरे को ही अकेला छोड़ दिया। हम भी यही करते हैं, उत्सव के समय भगवान को अकेला छोड़ देते हैं। उतने में ही सकटासुर आया, अब वो देख रहा है भगवान को, वो कहे ये इतना सा बच्चा इसने क्या पूतना को मारा होगा, अरे मैं तो इस पे पैर रखूंगा और ये मर जाएगा। और वो तो सोच रहा था पैर रखूंगा और ऐसा करूंगा, इतने में भगवान ने वो जो सकट रखा था उस पर अपने पैरों का हल्का सा स्पर्श किया कि वो पूरा का पूरा सकट जिस पर कई हांडियां तक रखी थी, बड़ी बड़ी दूध दही माखन की हांडियां, वो पूरी की पूरी दैत्य पर गिर जाती है। उसकी मृत्यु हो गई लेकिन नुकसान भी बहुत हुआ, सब हांडियां इत्यादि सब फूट गई। ये दोनों तरफ था, भगवान ने उसका भी उद्धार किया और यहाँ लोगों को भी बताया कि जब उत्सव मेरे लिए तो मुझे क्यों अकेला छोड़ा। तो यहाँ सब दौड़े दौड़े आते, आवाज सुन के फिर ब्रजवासी कह रहे बाबा बाबा आज तो फिर भगवान ने लाला को बचा लिया।
अब यहां भगवान का नाम रखा जा रहा है। तो पहले बलदाऊ भैया के लिए कहा गया कि ये बड़ा ही शक्तिशाली पुत्र होगा, बल बहुत होगा इसमें, तो इसका नाम रखते हैं बलराम। भगवान को देखकर कहा गया ये बड़ा ही टेढ़ा पुत्र होगा, ये हर काम टेढ़े करेगा, श्रृंगार टेढ़ा करेगा, मुकुट टेढ़ा रखेगा, बंसी टेढ़ी रखेगा, खड़ा टेढ़ा होगा। तो नाम भी ऐसा रखते हैं जिसको कहने में जीभ को टेढ़ा करना पड़े। भगवान का नाम रखा गया कृष्ण, कृष्ण कहने में जीभ घूमती है, तो भगवान का नाम रखा गया कृष्ण।